हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस का एबिलिटी जो एडजस्ट करे फोकल लेंथ पे। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उसको कैसे अपने रेटिना पे एडजस्ट करके लाना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो उसको कैसे उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करके रेटिना पे लाना है, इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। ये किसके मदद से होता है? सिलियरी मसल के द्वारा होता है। ठीक है, अब पावर को पहले पहचानते हैं। पावर जो होता है वो हमारे आई का होता है प्लस 60 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? इसका यूनिट है। तो जैसा कि आपको पता है, पावर में पहले कॉर्निया से पास करता है लाइट और फिर लेंस से। तो कॉर्निया का पावर कितना होता है? 43 डायोप्टर, और लेंस का पावर होता है 10 डायोप्टर। ये मेनली क्या करता है? कन्वर्स करता है लाइट को या डाइवर्स करता है। अगर कन्वर्स करेगा, कोई लाइट आ रहा है और वो कन्वर्ज हो रहा है तो वो होगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर कोई लाइट आ रहा है और वो डाइवर्स कर रहा है तो उसका होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो बेंडिंग का काम करता है ये सिर्फ हम कर्व्ड बॉडी पे कर सकते हैं। कैसा? कर्व्ड बॉडी पे। तो हम कह सकते हैं कर्वल्सल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग का। तो हमारा जो जो पावर होता है आई का, वो क्या क्या पे कंट्रीब्यूट करता है? सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारा कॉर्निया का। ठीक है, चलिए अब पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया से मेनली लाइट इंटर करती है। तो कॉर्निया का ये एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहता है, फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, उसके बाद लेंस का एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, यही चारों मेनली पावर ऑफ आई के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि AP एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर क्या होता है। तो ओसा लाइन जो ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कॉर्निया को सेंटर ऑफ रेटिना से। देखिए, अब हमारा तो सबसे पहले तो ये जब भी लाइट जाएगा रेटिना पे तो हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि कितना दूरी है। इस दूरी को ही कहते हैं एक्सियल लेंथ, हमारा कॉर्निया के सेंटर से रेटिना के सेंटर तक। ठीक है, तीसरा लेयर है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो नॉर्मल होता है अडल्ट में वो कितना होता है? 24 mm। याद रखिएगा कितना? 24 mm। बर्थ के समय 16 mm नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा का आय 18 से 21 साल के बीच में हो जाए तो आईबॉल ग्रो करना स्टॉप हो जाता है। याद रखिएगा, नॉर्मल आईबॉल में AP कितना होता है? एंटीरियोपोस्टीरियल डायमीटर या एक्सियल लेंथ कह सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर होता है वो एडल्ट में 24 mm, चाइल्ड में 16 mm, और जो आई है आईबॉल का डेवलपमेंट वो 18 से 21 साल तक होता है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंट विजन कहाँ तक देख सकता है? तो 6x6 तक। नियर विजन, तो नियर विजन कहाँ तक देख सकता है? तो वो भी 6 तक। ठीक है, तो अब ये नियर विजन क्या क्या के लिए, मतलब कैसे कैसे उसको हम देख सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नियर विजन हमारा डिपेंड करता है एकोमोडेशन पे, कन्वर्जेंस पे और मायोसिस पे। एकोमोडेशन तो अभी पढ़ाया कि जो चेंजेज होती हैं लेंस में जिससे हमारा पावर एडजस्ट होता है उसी को एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से कैसे कैसे चेंजेज होती है। तो सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस लाइट का आता है कहाँ से? तो पैलर में। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ नज़दीक है तो वो क्या होगा? बाद में जाकर पैलर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मीटर मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट 6 मीटर तक है। ठीक है, तो जितना, एक बात याद रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस जो लाइट रे का होता है ना वो बाद में जाके पैलर हो जाता है, और जो फार वाला होता है वो पैलर आता है बाद में जाके कन्वर्ज कर जाता है। ये बात दो को समझ में आ गई?
अब जो नियर का ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा डाइवर्ट करेगा और जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो आके पैलर हो जाएगा। ठीक है, कलहल्चर बढ़ेंगे तो पावर बढ़ेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रे ऑफ लाइट होता है वो डायरेक्टली फोकस करता है रेटिना पे। तो अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म में आप एक चीज़ याद रखिएगा, पहले आईबॉल ये लेंस कहाँ होता है, कॉर्निया कहाँ होता है ये जान लीजिए। ठीक है, हमारा ये कौन सा पार्ट हो गया, ये स्क्लेरा हो गया और ये कॉर्निया हो गया। ठीक है, उसका सेकेंड लेयर क्या होता है, क्लोराइड होता है जो ऊपर जाके सिलियली बॉडी बनाता है। ये क्लोराइड है, सिलियली बॉडी बनाया। ठीक है, सिलियली बॉडी में ऊपर क्या होते हैं, आयरिस होता है और यहाँ पर ये सस्पेंसरी लिगामेंट में हमारा लेंस अटका होता है। ठीक है, इस सस्पेंसरी लिगामेंट को हम जोन्यूल्स भी कहते हैं, जिसका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, याद रखिएगा जोन्यूल्स और सिलियली मसल दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली काम करता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जब मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूर से आ रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर से आ रहा है तो सिलियली मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, और उल्टा क्या होगा, जोन्यूल्स मसल क्या होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा और इसके कारण लाइट क्या होंगे, हमारा रेटिना पर फोकस करेगा और हमें ऑब्जेक्ट सही से दिखेंगे। तो क्या याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आ रहा है, दूर से आ रहा है, ठीक है, तो हमारा सिलियली मसल क्या होगा, रिलैक्स करेगा और हमारा क्या होगा, सिलियली मसल रिलैक्स करेगा तो जोन्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेंस क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। जब लेंस थिन हो जाएगा तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर नज़दीक है तो नज़दीक के लिए क्या करेगा हमारा, तो कोई भी चीज़ अगर नज़दीक है तो हमारा सिलियली मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जोन्यूल्स क्या होंगे, रिलैक्स करेंगे, हमारा लेंस क्या हो जाएगा, ठीक या स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे नियर के ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोड याद कर सकते हैं आप, CCC, इसका मतलब क्या हो गया, सी से सिलियली मसल, सी से कॉन्ट्रैक्ट और सी से क्लोज। अगर आपको पता चल जाएगा कि सिलियली मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिक क्या है कि उसका इन्वर्सली होता है जोन्यूल्स, तो जोन्यूल्स क्या होगा, रिलैक्स करेगा। तो याद रखिए CCC, क्लोज ऑब्जेक्ट, क्लोज ये हमारे सिलियली मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सी से क्या हो सकता है कि हम क्लोज देख सकते हैं। पहला सी से क्लोज, दूसरा सिलियली मसल और तीसरा सी कॉन्ट्रैक्ट। सिलियली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम क्लोज की चीज़ें ईजिली देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हम कैसे चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा, अब एक और बात, जब हमारा लेंस थिन होता है तो क्या होता है, क्यों हम दूर की चीज़ें देख पाते हैं। तो जब हमारा लेंस थिन होता है तो हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण हम दूर की चीज़ें ईजिली रेटिना पे कट जाता है। लेकिन अगर जब नज़दीक की चीज़ें हैं तो क्या होता है, हमारा लेंस ठीक हो जाता है, जिसके कारण फोकल लेंथ कम हो जाता है और ये नज़दीक की चीज़ों को ईजिली क्या करता है, कन्वर्ट कर पाता है और हम रेटिना से देख लेते हैं। ठीक है, नियर पॉइंट पूछेगा कि कम से कम कितना दूरी तक हमारा आई देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना हो सकता है, तो इन्फिनिटिव, जहाँ तक हमारा आँख का दृष्टि जा सके वहाँ तक। नॉर्मल आई की बात कर रही हूँ, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल आई की बात कर रही हूँ। अब नियर के लिए क्या क्या था, एकोमोडेशन बता दिया। अब कन्वर्जेंस, दो आई जब एक दूसरे का क्या होगा, एक साथ आएंगे और किसके द्वारा, मीडियल रेक्टी के द्वारा, तो क्या होगा, कन्वर्जेंस होंगे और इसके कारण हम नियर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। और तीसरा क्या था, मायोसिस। मायोसिस में क्या होता है,
कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, पीपल क्या करेगा कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब कि छोटा होगा तब हम क्या करते हैं नियर की चीज़ें देख पाते हैं। तो तीन चीज़ें नियर विजन के लिए ज़रूरी है, एकोमोडेशन, कन्वर्जेंस एंड माइओसिस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक होता है ट्रिपल रिएक्शन, जो ये तीन चीज़ें हैं ना इसको हम ट्रिपल रिएक्शन भी कहते हैं, नियर रिएक्शन भी कहते हैं या एकोमोडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों एक साथ काम करता है तभी हम नियर विजन देख पाते हैं। कौन कौन सा, एकोमोडेशन, दूसरा कन्वर्जेंस, तीसरा मायोसिस। ठीक है, इन्हीं तीनों के थ्रू हम क्या करते हैं नियर विजन देख पाते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे मोस्ट कॉमन ऑकुलर सिस्टमेटिक, मोस्ट कॉमन ऑकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमेटिक डिजीज, कैसे ऑकुलर मैनिफेस्टेशन के कारण सिस्टमेटिक डिजीज होता है उसके बारे में हम डील करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।